हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस विद सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। राम राम सभी को। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्लास को डेली अटेंड करते हैं, सो थैंक यू। जैसे कि क्या मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मैं यहाँ पे टू द पॉइंट बात करती हूँ कि जो कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वही टॉपिक उठाती हूँ और आपको समझाती हूँ। आप क्लास डेली अटेंड करिए, सो प्लीज बार बार कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, पीडीएफ के लिए फोर्स मत करिए। इतनी ज्यादा मैं लेंदी क्लास भी नहीं लेती, मुश्किल से 10 मिनट या 5 मिनट या 12 19 मिनट, इससे ज्यादा क्लासेस नहीं होती है। आप उतने टाइम में अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाइए, आपका आंसर जरूर बनेगा, इतना डेफिनेटली है, ठीक है। इतनी मुझे ये है, ट्रस्ट है, इतनी सियोरिटी है कि मैं जितना बताती हूँ उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन आप लोग बार बार मैम पीडीएफ, सो प्लीज पीडीएफ के लिए क्लास अटेंड करिए। क्लास में जो बोर्ड पे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है वो अलग होता है, ठीक है। तो चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे कि क्या, अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है पीडीएफ में तो देखते हैं, वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी क्लास अटेंड करिए, ठीक है। तो जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम, ठीक है। क्या मादा जनन तंत्र, जिसमें आज हम क्या देखेंगे, ट्विंस बेबी कैसे होते हैं। रिप्रोडक्शन हम पढ़ा रहे हैं, ट्विंस बेबी, तो आइए देखते हैं जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। ट्विंस बेबी कैसे होते हैं और एक ही, मतलब ट्विंस बेबी में क्या होते हैं, बहुत ट्विंस बेबी ऐसे होते हैं जुड़वा बच्चे जो कि सेम शक्ल के होते हैं, क्यों होते हैं, और बहुत होते हैं जो कि एक लड़की एक लड़का, वो अलग अलग होते हैं, ऐसा क्यों होता है, सारी चीजें हम देखते हैं। तो आइए क्या है कि जैसे कि क्या आज हमारा जो टॉपिक है वो मेनली क्या है, ट्विंस बेबी, ओके। ट्विंस बेबी इट मीन जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चा, ओके। तो अगर हम बात करेंगे जुड़वा बच्चे की, तो जैसे कि क्या हम देखेंगे, जैसे कि हम क्या देखेंगे, हाँ क्या देखेंगे कि पता है ट्विंस बेबी होता कैसे है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ट्विंस बेबी की प्रोसेस क्या है, कि देखिए जैसे कि क्या मैं आपको क्या बता रहे हैं कि ये देखिए जैसे स्पर्म है, ठीक है। क्या ये स्पर्म है, जस्ट आपको समझ में आए, दैट्स क्लियर, ठीक। ये उसकी क्या है, टेल है, क्या स्पर्म है, ठीक। यहां लिख देना जस्ट आपको समझाने के लिए, फिगर प्रोवाइड कर देंगे, स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म की टेल है, ठीक है। और यहाँ ये स्पर्म जाके ओबम से मिल जाता है, तो क्या होता है कि फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे एक नई सेल का फॉर्मेशन होता है। वन में भी नॉर्मली जो नेचुरल प्रकृति का नियम क्या है कि एक जो स्पर्म है, स्पर्म ओबम से मिलता है तो फर्टिलाइज होता है, उससे एक नई सेल बनती है, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रकृति का नियम है। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी देखिए, जो जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए ये क्या है, ये विजाइना है, ठीक है, जस्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए इसलिए मुझे फिर से फिगर बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम ये बात करेंगे, तो एक फीमेल की क्या है, ओबरी है, ठीक है। क्या ओबरी है, ओबरी किसका फॉर्मेशन करती है, सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहां से क्या निकल रहा है, ओबम निकल रहा है, ये क्या है, ओबरी है, ठीक है, ये भी क्या है, ओबरी है। और इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस है, जिसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, या बच्चेदानी, जो आपको सही लगे, ठीक है। और यहाँ इसी में क्या होता है, यहीं पे तो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, जो स्पर्म आता है यहीं पे डिस्चार्ज होता है। तो एक जैसे होता नहीं, प्रकृति का नियम की बात करेंगे कि देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कि जो स्पर्म निकलता है, स्पर्म सबसे पहले वाले जिस मतलब ओबम से वो मिल जाता है, मीटअप कर लेता है, मिल जाता है, और जितने ये सारे बने रहते हैं ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। क्या खराब हो जाते हैं, सबसे पहले स्पर्म जिस ओबम से मिल जाता है
वही क्या होता है, उसी का फर्टिलाइजेशन होना हो जाता है, फिर एक नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट्स फिर माय पॉइंट। लेकिन यहाँ आप ये समझिए कि देखिए यहाँ पे चीजें क्या है, ट्विन्स बेबी में क्या होता है, तो एक होता है ठीक है, ये इस पर जाके आप बात करेंगे किसकी, ठीक है, ये भी क्या है, स्पर्म है, ठीक। तो प्लीज आप रफली फिगर इसलिए बना रहे ताकि आपको चीजें समझ में थोड़ी आए, बाकी तो मैं फिगर आपको दे दूंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी स्पर्म है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि स्पर्म तो लाखों की संख्या में होते हैं, 10 से 20 लाख होते हैं, लेकिन जो स्पर्म क्या होता है, एक ही स्पर्म क्या होता है, विजाइना के थ्रू किसमें पहुंचता है, ओबरी मतलब ओबम से मिल जाता है, मीटअप कर लेता है, अंडाणु से मिल जाता है, तो क्या होता है, वही निषेचन कहलाता है, फिर नई सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे केसेस क्या है कि देखिए ये जो इट मींस ये दो स्पर्म जब जाके एक ही सेल से मिल जाते हैं, ये क्या है, ओबम है, ठीक है, क्या ओबम है, और ये स्पर्म है, ये दो स्पर्म जाके ओबम से मिल जाते हैं, मतलब दो स्पर्म, तो वही टू बेबी हो जाता है, मतलब ट्विंस बेबी हो जाते हैं, क्या ट्विंस बेबी। और यही क्या होता है, और सिंगल कब होता है, जब एक स्पर्म एक ओबम से मिल जाता है तो वो एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे टू स्पर्म, देखिए डिसाइड कौन करता है, मेल में, कि क्या डिसाइड करता है कि बेबी की जो फेस होगा वो मेल, 50% है वो मेल ही डिसाइड करता है ना, मेल का स्पर्म है वही डिसाइड करेगा। इसमें क्या होता है कि ये दो स्पर्म, ठीक है, दो स्पर्म जाके ओबम से मिल जाते हैं, दो स्पर्म जाके ओबम से मिल जाते हैं तो ट्विंस बेबी हो जाते हैं, दो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, क्या जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है, उनकी जो क्या कहेंगे कि इसमें कंडीशन क्या है कि इनका फेस जो है डिफरेंट होगा, क्या इसका जो फेस होगा वो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, ठीक है, क्या इनका जो फेस होगा वो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, अलग अलग होगा। आपने देखा होगा दो जुड़े बच्चों को, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं 9th में थी तो मेरी क्लास में दो भाई पढ़ते थे जो कि जुड़वा थे, सेम शक्ल के, और उनका नाम भी कुछ ऐसे करके था, याद नहीं आ रहा है, नाम भी दोनों का ऐसे ऐसे मतलब कामे, मतलब ऐसे क्या कह सकते हैं कि उनका नाम एक दूसरे से रिलेट करता था, संतोष और रंतोष ऐसे कुछ नाम था, हाँ संतोष और रंतोष ऐसे कुछ नाम था, और सेम शक्ल के थे 9th में। हम उन लोग को देख के थोड़ा पहले इतना पता नहीं था, देख के हंसी आती थी कि यार ये कैसे मतलब है, लेकिन अब जाके हमें समझ आया कि कैसे होता है, कि क्या कि मतलब वो ट्विंस में मतलब दोनों लोग एक ही फेस के, क्या कि इसमें क्या है, दोनों लोग एक ही फेस के होंगे, क्या दोनों लोग सेम फेस के होंगे, ओके ठीक है। तो क्या हम आपको क्या बता रहे थे कि यहाँ प्रोसेस थोड़ा चेंज है, यहाँ डिफरेंट होंगे, क्या यहाँ डिफरेंट, क्यों, क्योंकि देखिए दो स्पर्म आया, क्या जब दो स्पर्म एक ओबम से मिल जाता है तो वहां पे ट्विंस बेबी हो जाते हैं, लेकिन उनका फेस जो है वो डिफरेंट होता है, एक समान नहीं होता है, क्या एक समान नहीं होता है, यहाँ पे इनका फेस जो है, फेस की बात करेंगे तो फेस डिफरेंस होता है, फेस डिफरेंस होता है, एक समान नहीं होता है, ये स्पर्म हुआ और दो स्पर्म जाके एक ओबम से मिल जाते हैं तो क्या होता है कि उनका फेस जो है वो ट्विंस बेबी तो होते हैं, ट्विंस जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, उनका फेस डिफरेंस होता है, क्या फेस जो है डिफरेंट होता है। अब इसी केसेस में हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि पता है प्रोसेस सेम है लेकिन कंडीशन चेंज है, यहाँ कुछ चेंजेस आ जाएगा। ऐसे हम बताना चाहेंगे कि क्या होता है कि जैसे ये क्या है, ओबम है, ठीक है, और ये ओबम आपस में जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे ओबरी से ओबम का फॉर्मेशन होता है, तो ये ओबरी जैसे यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओबम आपस में जुड़ा है, और यहाँ से क्या हुआ, ये ओबम आपस में जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, और यहाँ से क्या हुआ, स्पर्म गया, ठीक है, क्या स्पर्म गया यहाँ से,
टेल है, ठीक है, और ये जाके इनसे मिल गया, ठीक है, क्या इनसे मिल गया, किससे, ओवम से मिल गया। सिंगल स्पर्म जब टू ओवम से मिल जाते हैं तो उनका जो फेस होता है वह सेम होता है, क्या वह सेम होता है, क्योंकि यहाँ दो स्पर्म है, ठीक है, यहाँ दो स्पर्म है तब ट्विंस बेबी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक स्पर्म है और टू ओवम है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन चेंज है। इसलिए देखिए ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है, और ये क्या है, ओवम है, ठीक है। कंडीशन तो वही है कि यहाँ पे दो स्पर्म भाई जाके ओवम से मिलेंगे तो ट्विंस बेबी होंगे, लेकिन इनका जो फेस होगा डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे दो स्पर्म है, लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट कि अगर टू ओवम आपस में मिले हुए हैं, इट मीन ज्वाइंट है, और जो स्पर्म जाके सबसे पहले क्या होता है, जाके ये मिल जाता है, किससे मीटअप कर लेता है, किससे, ओवम से, तो इसका जो फेस होता है वो सेम फेस का होता है। जो अभी हम आपको एग्जांपल दिए कि हम जब क्लास नाइन्थ में थे तब मैं मतलब एक संतोष संतोष ही नाम था दोनों का और सेम शक्ल के थे, इट मींस वहां पे कंडीशन ये है, मतलब अगर बात करें वहां पे कंडीशन ऐसी होगी तभी ऐसा, ऐसे केसेस में ऐसा हुआ, ठीक है, कि क्या अगर एक स्पर्म जाके दो ओवम से, मतलब एक स्पर्म टू ओवम से जाके मिल जाता है तो वहां पे भी ट्विंस बेबी होते हैं। ये भी यहाँ पे क्या हुआ, ट्विंस बेबी हुए, जुड़वा बच्चे हुए, ठीक है, ट्विंस बेबी हुए, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है इनका सेम जो रहेगा एकदम फेस ऐसे जैसे होते नहीं, आप दुकान पे जाते हैं कहते हैं भैया टू कॉपी कर दिया, जैसे कि क्या टू टू कॉपी कर, तो सेम टू कॉपी, उनका टू कॉपी होते हैं किसमें, सेम फेस में, जब एक स्पर्म टू ओवम से जाके मिल जाता है। और जैसे कि ये एक कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, किस, अब सोचिए 10 से 20 लाख स्पर्म होते हैं लेकिन पहुंचता कौन है, जो सबसे पहले यहाँ जाके पहुंच जाता है, सबसे पहले जो कहाँ, यहाँ पे जाके सबसे पहले जो मिल जाता है किससे, ओवम से मिल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर नई सेल का फॉर्मेशन होता है। बाकी और पता है ये ओवम का जो टाइमिंग होता है, अगर बात करेंगे ओवम का, टू डेज होता है बस, इनका जीवन काल जो होता है, अगर कह सकते हैं जीवन काल, तो टू डेज के लिए होता है, इनका जीवन काल टू डेज के लिए होता है, क्या इनका जीवन काल टू डेज के लिए होता है। यहां तक चीजें समझ में आई कि ट्विंस बेबी कैसे होते हैं, ट्विंस बेबी कैसे होते हैं, कि अगर दो स्पर्म क्या एक ओवम से मिल जाते हैं, दो स्पर्म एक ओवम से मिलते हैं तो वहां पे क्या डिफरेंट फेस जो है डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेंगे, लेकिन अगर उसी केसेस में वन स्पर्म टू ओवम से जाके मिल जाएगा तो वहां पे फेस जो है सेम रहेगा। यही आपको समझाना चाहते थे, फिर से रिकॉल कर रहे हैं कि वेस्कोटॉमी किसे कहते हैं, वेस्कोटॉमी मीन्स क्या होता है, जब वेस डिफरेंस नस को कट कर दिया जाता है तो वेस्कोटॉमी, टुबैकोटॉमी जब फीमेल में ट्यूब को कट कर दिया जाता है टुबैकोटॉमी, और फिर उसके बाद हम आपको क्या बताया कि हिस्टेरोटॉमी कब होता है, हिस्टेरोटॉमी कब होता है, उसमें क्या होता है पूरा उसके क्या बोलते हैं कि जितनी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे ओवरी हुई और क्या फैलोपियन ट्यूब हुआ, और फिर उसके बाद क्या देखेंगे यूट्रस हुआ, सबको कट करके ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है तो उसे हिस्टेरोटॉमी कहते हैं। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है तो उसको कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसे कि क्या क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड हाँ कंसंट्रेट होके पढ़िए, फुल इंजॉय से एकदम पढ़िए, कोई वो नहीं, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, तो मिलते हैं कल, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।